हाय दोस्तों, अभी जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये वाला पेंटिंग, इसको मैंने एक साल पहले 10,000 रुपये में मैंने सेल किया था। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, पूरा मैंने लाइव दिखाया था कैसे मैंने सेल किया था। और आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कैसे इस टाइप का पेंटिंग आप नॉर्मल, अगर आप ड्राइंग कॉपी में करते हैं या कैनवस में करते हैं, इस टाइप का पेंटिंग आप कैसे डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट करके सेल कर सकते हैं अच्छा खासा प्राइस में। तो अभी मैं और एक पेंटिंग दिखा रहा हूँ, ये वाला पेंटिंग। इस टाइप का पेंटिंग 6 लाख रुपये में पर पेंटिंग अभी सेल हो रहा है, और इसे हम नॉर्मली कहते हैं NFT। तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ कैसे नॉर्मल जो आप ड्राइंग कॉपी में करते उस सेम पेंटिंग को आप लेकर कैसे आपको सेल कर सकते हैं ऑनलाइन में। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप डायरेक्टली अपना पेंटिंग को सेल करके पैसा अर्न कर सकते हैं, कैसे सेल करना है और कैसे मोबाइल में उसको डिजिटलाइज आर्ट में कन्वर्ट करने में पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं कौन हूँ, मैं हूँ अंकन, और एक मैं NFT हॉबीस्ट हूँ, टेक लवर हूँ और डिजिटल आर्ट लवर हूँ, ठीक है। तो यही मेरा सिंपल एक डेफिनेशन है। तो क्या क्या हम टूल यूज़ करने वाले हैं नॉर्मल आपका जो कैनवास में आप पेंटिंग करते हैं या कॉपी में पेंटिंग करते हैं, जहाँ पर भी आप करते हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करने हैं डिजिटल आर्ट में, वो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके पास में हम टोटल 4 टूल यूज़ करने वाले हैं, OpenSea, MetaMask और कोई भी एक फोटो एडिटिंग ऐप, Lightroom, PixelLab या Pixar, कोई भी आपका चॉइस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, आपका जो पसंद है। और ऑब्वियसली मोबाइल तो चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन, बस और कुछ नहीं। ये सब अगर आपके पास है तो आप डन है, और सिर्फ आपके पास आपका पेंटिंग तो रहना ही चाहिए। तो सबसे पहले OpenSea क्या है। OpenSea एक मार्केट प्लेस है, जैसे Amazon, Flipkart होता है, जहाँ पर आप सेल करते हैं, खरीदते हैं कुछ आइटम, या जो लोग सेलर है वो सेल करते हैं। वैसे ही यहाँ पर OpenSea एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप पेंटिंग सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारा पेंटिंग देख पा रहे होंगे, इस टाइप का पेंटिंग, इस टाइप का पेंटिंग। पर यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा डिजिटल आर्ट में थोड़ा जो टॉप रैंकर है, यहाँ पर अच्छा अच्छा डिजिटल आर्ट बनाता है। पर अगर मैं आपको और एक पेंटिंग दिखाऊं तो वी फ्रेंड्स करके है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 ETH, उसके बाद 5.9 ETH। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल जैसे हम इंडिया में रुपीज़ यूज़ करते हैं, US में डॉलर यूज़ करते हैं, वैसे ये जो वेबसाइट है वो यहाँ पर ETH मतलब इथेरियम यूज़ करते हैं बाय और सेलिंग के लिए, ठीक है। और एक अगर मैं अभी दिखाऊं तो एक ETH जो अभी इंडिया में अगर मैं प्राइस दिखाऊं, एक ETH का प्राइस, इथेरियम का प्राइस 97,000 रुपीज़ चल रहा है, मतलब 1 लाख के आसपास। और इस जो आप पेंडिंग देख रहे हैं, मुझे तो एकदम ही अच्छा नहीं लगा, पर इसके लिए कौन भाई पे करेगा 6 लाख रुपये आसपास, 6 लाख। और 50 मिनट्स आगे अपडेटेड, मतलब कुछ 1 घंटे पहले ये पूरा कलेक्शन अपडेट किया गया था। और ऐसा नहीं ये सेल नहीं होता, सेल हुआ है। टोटल 10,000 आइटम है, 10,000 में देख सकते हैं 50% यहाँ पर ऑलमोस्ट सेल हुआ है, और सबसे लोएस्ट प्राइस है 6 लाख। आप सोच ही लीजिए मतलब कितना में सेल हो रहा है। तो ऐसे में मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा भी एक पेंटिंग सेल हुआ था, ठीक है, इससे पहले। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, चलिए मैं एक बार दिखाया था मेरे चैनल पर। तो एक साल पहले मैंने वीडियो बनाया था कैसे मैंने मेरा एक NFT को सेल किया था, मतलब डिजिटल आर्ट को 10,000 रुपये में। बहुत ही बेसिक सा डिजिटल आर्ट था, मैंने पूरा लाइव दिखाया था। और यहाँ पर टोटल 2 लाख के आसपास यहाँ पर व्यूज आप देख सकते हैं, ये रहा 2 लाख के आसपास। और मैंने पूरा बेसिक से एक पेंटिंग किया था और अपलोड कर दिया था, और समहाउ ये सेल हो गया था। तो यह अभी बहुत आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि अभी 1 साल पहले का वीडियो है। तो इसीलिए मैंने रिसेंटली एक नया वीडियो बनाया, इसके ऊपर देख सकते हैं, हाउ टू मेक एंड सेल NFT फ्रॉम मोबाइल। तो जो जो मैं बताना चाहता हूँ अब मैं आप सुन लीजिए अच्छे। तो सबसे पहले जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे इस वीडियो हाउ टू मेक एंड सेल NFT फ्रॉम मोबाइल, ये Part 1 रहेगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा दिखाया हूँ कैसे मोबाइल से क्रिएट करना है NFT को, कैसे अपलोड करना है, और कैसे आपका बैंक अकाउंट ये सब लिंक करना है, यहाँ पर मैंने पूरा दिखाया हूँ, ठीक है। तो अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, और कैसे यहाँ पर प्राइस सेट करना है, सब कुछ मैंने यहाँ पर दिखाया हूँ। फर्स्ट स्टेप हो गया ये वाला, आप इसको वीडियो को देखिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर मैंने पूरा दिखाया हूँ कैसे MetaMask में अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे फोटो लेकर आपका जो नॉर्मल पेंटिंग आप करते हैं कॉपी में, उसको फोटो लेकर कैसे आप डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो भी मैंने दिखाया हूँ यहाँ पर। ये वीडियो एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद अगर आपका पेंटिंग सेल होता है तो पेंटिंग का जो पैसा कहाँ पर आएगा, OpenSea में आपका पेंटिंग का पैसा नहीं आएगा। OpenSea एक मार्केट प्लेस है, जैसे बैंक होता है, आप नॉर्मल अमेजन से अगर आप कुछ खरीदते हैं, नॉर्मल तो अमेजन के वॉलेट में अगर हुए, तो यहाँ पर OpenSea में कोई वॉलेट का सिस्टम नहीं है, पर आपके पास यहाँ पर इसके लिए भी एक बैंक रहना जरूरी है। तो बैंक के लिए यहाँ पर एक MetaMask है, MetaMask में आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, बहुत ही सिंपल, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल दीजिए, बस आपका अकाउंट क्रिएट, कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड की कुछ भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जब भी आपका कोई OpenSea में आपका कोई पेंटिंग सेल होता होगा,
डायरेक्टली आपका पैसा मेटामास्क में आएगा। अब मेटामास्क के आपको स्टोरेज, एक मेटामास्क एक वॉलेट की तरह काम करेगा, आपका पैसा होल्ड करके रखेगा। अब मेटामास्क के आपका अगर पैसा डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट, जैसे SBI हो गया, एक्सिस बैंक, उस टाइप का अगर आप अकाउंट में लेना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया रखा था, हाउ टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम मेटामास्क टू बैंक अकाउंट, ये वाला वीडियो। यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ कैसे कन्वर्ट, ट्रांसफर करने बैंक अकाउंट से मेटामास्क बैंक अकाउंट में, तो ये वीडियो भी आप देखिए। पर उससे पहले ये एक्चुअल मेन वीडियो है, इस वीडियो को देखिए पार्ट वन, उसके बाद पार्ट टू, तो ये दोनों अगर आप वीडियो देखेंगे पूरा आपको समझ में आ जाएगा। आप बोलेंगे ये इस वीडियो का काम क्या था, तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन पर्पस के लिए बनाया था, क्योंकि अगर मैं पूरा दिखाने जाऊंगा तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा और आपका ये तब मतलब उतना कोई खास नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने दो पार्ट्स में पहले मैंने वीडियो बना कर रखा था और इजी है, बहुत ही सिंपल हिंदी में पूरा कम्प्लीटली। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है समझने में या कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मुझे कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं ज़रूर आपका हेल्प करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ।